हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो मैं उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, आज आपका मैथ का जो सेकंड नंबर सिलेबस था, हर चैप्टर हमने डिस्कस किया, आपको मैंने बताया, समझाया, आपने समझा। अब हम लोग जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है जो हमें हर चैप्टर की रह गई थी, अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं आपको। हम मिसलेनियस चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 6, चैप्टर 7, जितने भी चैप्टर्स में मिसलेनियस है, 15 प्रोबेबिलिटी में भी आपका सेक्शन में भी है, आपका इकोनॉमिक्स कोनिक सेक्शन में भी है, जो भी चैप्टर्स के एलिमेंट्स एंड डेरिवेटिव, हर एक चैप्टर की हम मिसलेनियस की हम बात करने वाले, मिसलेनियस सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा, आपको चैप्टर मैंने कहा था घर से पढ़ के भी आना, रिवीजन करके आना, जो आप लोगों ने किया। तो आज हमारा मेन फोकस होगा किस पे, चैप्टर नंबर 6 मिसलेनियस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 मिसलेनियस निकालो, पेज नंबर 132। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 1 to 6। ये तो बहुत छोटे 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 से क्वेश्चन हैं। देखो, आपके पास कुछ इनइक्वालिटीज है, 3x-4 <= 5, 2 <= 3x-4 <= 5। एक बात बताओ, पहले सबसे पहले फील करना, 3x के साथ यहाँ पे क्या दे रखा बच्चों, 4। ये माइनस 4 है ना, तो ऐड कर दो दोनों तरफ 4, इधर भी ऐड कर दो, इधर भी, कट गया 2 + 4 = 6, 3x का 3x, 5 + 4 = 9। अब दो x के साथ क्या दिख रहा है आपको, 3 मल्टीप्लाई में ना, तो क्या किया जाएगा, डिवाइड, वेरी गुड। तो 6 / 3 <= 3x / 3 <= 9/3। (2 < x) इससे क्या, देखो ये आपका आंसर आया, क्या आंसर समझ रहे हो, जो x है <= 2 और <= 3। तो मैं कैसा इंटरवल लगाऊंगा इस जगह, क्लोज्ड इंटरवल, ये 2 आ जाएगा, 2, 3, क्योंकि इक्वल भी आ रहा है, इसलिए क्या आएगा, क्लोज्ड इंटरवल। x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, और 3 भी हो सकती है, 3 से कम भी हो सकती है। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, 6 < -3 ब्रैकेट में लिखा है 2x - 4, फिर <= 12, ठीक है क्वेश्चन। इस बार बच्चों क्या दे रखा है, x दे रखा है <= -3 (2x - 4), फिर <= 12। एक काम करें, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, हाँ जी, तो क्या आ जाएगा, 6 < -3 = -6, -3 = 4 = 12। अगला स्टेप बताओ क्या हो सकता है, 12 - वेरी गुड। तो 12 को देखो, यहाँ पर +12 है, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो 6 - 12 = -6x + 12 - 12, ठीक है, ये हो गया -6 < -6x = 0। अब बताइए अगला स्टेप, किससे, माइनस, अब बेटा माइनस से जब हम डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, एक बार बताई थी मैंने आपको, तो क्या करेंगे, -6x / -6 - -6, तो ये ऐसा चेंज हो जाएगा, ये इधर ऐसा हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू क्या बेटा, चेक करना, x की वैल्यू 0 से बड़ी है और <= 1, 0 से बड़ी होगी और 1 होगी या 1 से छोटी होगी, बात समझना, x की वैल्यू 0 होगी, 0 नहीं होगी, 0 से बड़ी होगी, तो यहाँ पर कैसा इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल, 0 से बड़ी है और 1 भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है, क्लियर है? तो एक तरफ ओपन इंटरवल और एक तरफ क्लोज इंटरवल, किसी को डाउट दोनों क्वेश्चन के अंदर, इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वो कहता है 3 में -3 < -4 - 7x/2 = 18, ठीक है। एक बात बताओ क्या करना बेटर रहेगा, पहले हमें देखो यहाँ 4 प्लस में है ना, तो माइनस कर देते हैं,
ठीक है कर दिया, कैंसिल हो गया, माइनस सेवन लेस देन इक्वल माइनस सेवन एक्स बाय फोर, फोर्टीन आ गया। अगला स्टेप क्या होगा बेटा, यहाँ डिवाइड में क्या है टू, तो टू से मल्टीप्लाई कर दो। मुझे x को इंडिपेंडेंस करना है, x को उसके x के साथ जितने भी है सबको हटा देना है, बस ये जानना है आपको। इतना लॉजिक लग गया ना, काम बन गया। तो माइनस फोर्टीन माइनस सेवन एक्स, अब बताइए क्या करेंगे, जल्दी बोलो। माइनस सेवन से बेटा, तो जब माइनस सेवन से डिवाइड होगा ना वो, तो पलट जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? सॉरी सॉरी, x नहीं आएगा नीचे, 28 बाय माइनस सेवन, तो यहाँ तो कटेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस माइनस कट गया, सेवन सेवन कट गया, तो x बचेगा माइनस फोर। अब देखो x की वैल्यू मोर देन इक्वल माइनस फोर, माइनस फोर भी हो सकती है, उससे बड़ी भी हो सकती है, और लेस देन इक्वल टू। तो माइनस फोर से लेके कहाँ तक बात कर रहे हूँ, टू तक। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट पढ़ो। माइनस फिफ्टीन लेस देन थ्री मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू अपॉन में फाइव लेस देन इक्वल जीरो, ठीक है। माइनस फिफ्टीन लेस देन थ्री इंटू एक्स माइनस टू अपॉन में फाइव लेस देन इक्वल जीरो। अब एक बात बताएं क्या कर सकते हैं यहां पर हम, आपने देखा कि सर फाइव डिवाइड में है, तो क्या करें बेटा, मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है कर दिया। थ्री को एक्स मल्टीप्लाई कर लो, थ्री एक्स माइनस थ्री टू जा सिक्स, जीरो मल्टीप्लाई फाइव, फाइव से फाइव कैंसिल, माइनस सेवेंटी फाइव जीरो। अब देखो यहां माइनस सिक्स है तो क्या करेंगे, प्लस सिक्स, हाँ जी कि ना जी, ठीक है कट गया। क्या बचा, 75 में 6 गया तो माइनस सिक्सटीन नाइन, यहां बचेगा 6। 3 से डिवाइड करेंगे तो 69 डिवाइड बाय 3, 3x अपॉन में 3, 6 बाय 3, तो माइनस 23 लेस देन x, x की जो x मोर देन लेस देन इक्वल टू, ठीक है। क्या समझ आ रहा है आपको यहाँ पे कि सर x की जो वैल्यू है माइनस 23 से बड़ी है और लेस देन इक्वल टू, टू होगी या टू से छोटी होगी, तो टू होगी या टू से छोटी होगी, तो मैंने ऐसे लिख दिया टू होगी या टू से छोटी होगी, क्लोज इंटरवल आया। ये साइन दिख जाए तो कैसा इंटरवल लगता है, क्लोज्ड इंटरवल, और ऐसा साइन दिख जाए तो क्या लगता है, ओपन इंटरवल। ये बात में कोई डाउट तो नहीं है, इसका पूरा मैं इंट्रोडक्शन को समझा चुका हूं, अच्छे से बेसिक हमने पढ़ रखा है। क्या आएगा बेटा इस जगह, फिर अब एक्स मोर देन माइनस थ्री, तो माइनस 23 आगे कैसा इंटरवल आएगा, ओपन। कोई डाउट इन दोनों क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर ध्यान देना, तो माइनस 12 लेस देन 4 माइनस 3x अपॉन में माइनस 5 मोर लेस देन इक्वल टू, ठीक है। एक काम करें पहले, देखो माइनस 12 वैसे रहने दो और लेस देन माइनस 12 लेस देन, एक नीचे 1 लगाओ। अब देखो 1 का और माइनस 5 का एलसीएम ले लो पहले, तो आप माइनस 5, तो माइनस 5 को 4 से करेंगे कितना आएगा, माइनस 20 माइनस 3x। कोई डाउट है तक? हाँ जी, मैंने क्या किया, 1 का और माइनस 5 का एलसीएम लिया तो माइनस 5 आया, तो माइनस 5 को 4 से मिलेगा माइनस 20, 1 को भी देखो माइनस 5 का माइनस 5 का हुआ था 1, 1 को करेंगे माइनस 3x आ जाएगा। अब माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 12 फाइव का 60, माइनस 20 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू फाइव का 10,
प्लस माइनस माइनस टेन। अब देखो मुझे क्या करना है, अब ध्यान देना आप इसके बाद, यहाँ तक कोई डाउट किसी मन में, सोचो क्या हो सकता है वो, या माइनस ट्वेंटी है ना बेटा, क्या करेंगे प्लस ट्वेंटी बोथ साइड, सिक्सटी प्लस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी माइनस थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी, ये तो कैंसिल, एट्टी टेन। देखो माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे तो 80 डिवाइड बाई माइनस थ्री, और ये साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस थ्री एक्स अपॉन में माइनस थ्री, टेन डिवाइड बाई माइनस थ्री, माइनस 80 बाई थ्री मोर देन एक्स, और एक्स मोर देन इक्वल माइनस टेन बाई थ्री। कोई डाउट यहाँ तक? देखो अब एक बात बताना मुझे, एक्स की जो वैल्यू है माइनस टेन बाई थ्री से बड़ी है और इक्वल भी है, तो माइनस टेन बाई थ्री के इक्वल भी है और बड़ी भी है, एक्स मोर देन इक्वल और एक्स लेस देन इक्वल माइनस एट्टी बाई थ्री। कोई डाउट यहाँ तक? तो एक तरफ क्लोज इंटरवल और एक तो कैसा आएगा ओपन इंटरवल, तो एक्स मोर देन इक्वल माइनस टेन बाई थ्री और लेस देन माइनस एट्टी बाई थ्री। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सेवन लेस देन इक्वल थ्री एक्स प्लस इलेवन अपॉन में टू लेस देन इक्वल टू इलेवन। देखो टू डिवाइड में क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई, तो सेवन मल्टीप्लाई टू इलेवन मल्टीप्लाई टू, टू से टू कैंसिल, सेवन टू जा फोर्टीन लेस देन इक्वल थ्री एक्स प्लस इलेवन, और थ्री एक्स प्लस इलेवन लेस देन इक्वल ट्वेंटी टू, क्या किया जाए प्लस इलेवन है तो माइनस, कैंसिल, क्या आ जाएगा यहाँ पर इलेवन, एक्स के साथ क्या यहाँ पर थ्री, थ्री से डिवाइड करेंगे इलेवन बाई थ्री, तो क्या आपके पास फाइनल आंसर आया। देखो एक्स मोर देन इक्वल वन, एक्स एक हो सकता है और एक से बड़ा हो सकता है, और लेस देन इक्वल इलेवन बाई थ्री, ये इलेवन बाई थ्री का मतलब क्या समझ रहे हो आप, अगर इलेवन बाई थ्री, इलेवन को मैं थ्री से डिवाइड करूंगा तो थ्री पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आएगा, हाँ है ना, अगर उसमें डिवाइड करूंगा थ्री पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो एक्स की वैल्यू एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, और इलेवन बाई थ्री के इक्वल भी होगी, उससे छोटी भी होगी, तो इधर भी क्लोज इंटरवल और इधर भी क्लोज इंटरवल, यहाँ वन और यहाँ पे इलेवन बाई थ्री, इसे नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स तक सबको किसी को डाउट, सिक्स तक मैंने कंप्लीट किया, सेवन्थ क्वेश्चन तक चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइन पढ़ो, सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज सेवन टू टेन, सेवन से लेकर टेन तक को सॉल्व भी करना है, फिर रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ग्राफिकली ऑन द नंबर लाइन, फिर नंबर लाइन पर शो भी करना। चलिए एक करके देखते हैं छोटा सा क्वेश्चन सेवन्थ, आपको आइडिया लगेगा, 5x प्लस वन मोर देन माइनस ट्वेंटी फोर कॉमा 5x माइनस वन लेस देन 24, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? एक बात तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ प्लस वन है बेटा, तो क्या करें माइनस वन, इधर भी 5x माइनस ट्वेंटी फाइव, अब 5 से डिवाइड करेंगे तो x मोर देन माइनस फाइव, और अगर मैं यहीं सॉल्व कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हाँ जी 5x माइनस वन तो क्या कर देंगे प्लस वन, क्या कट जाएगा प्लस वन, और लेस देन 24 प्लस वन, कट गया ही तो 5x 20, 5x less than 25, अब देखो 5x divide by 5, 25 divide by 5, x less than 5, तो देखो यहाँ फील करना, x की वैल्यू माइनस फाइव से बड़ी है और x की वैल्यू 5 से छोटी है, मतलब आपका जो आंसर है वो क्या हो सकता है, मैं इसको लिखना चाहूँ एक लाइन में,
तो एक्स मोर देन माइनस फाइव और लेस देन फाइव, ठीक है, एक्स लेस देन फाइव तो एक्स लेस देन फाइव और एक्स मोर देन माइनस फाइव तो एक्स मोर देन माइनस फाइव। आपका मतलब क्या है कि सर माइनस फाइव और फाइव, ठीक है, ओपन इंटरवल, क्योंकि माइनस फाइव से बड़ा है और फाइव से छोटा है। अब नंबर लाइन की जो बात मैं कर रहा हूँ वो ध्यान देना। इधर बच्चों क्या होता है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, थोड़ा सा रफली में बना रहा हूँ, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ठीक है, इतना लिख दिया, माइनस फाइव तक लिख दिया। तो देखो आपकी वैल्यू क्या कर रहा है, एक्स लेस देन एक्स लेस देन फाइव, तो फाइव पे मैं सिर्फ सर्कल लगाया, कलर नहीं किया है। इसके अंदर कलर मैं तब करूँगा जब इक्वल भी होता, क्योंकि यहाँ पे पाँच नहीं हो सकती, एक्स की वैल्यू पाँच से कम है, 4.9999 हो सकती है लेकिन पाँच नहीं हो सकती है। तो मैंने सिर्फ सर्कल लगा दिया, सर्कल को कलर कर दिया ऐसे, क्योंकि पूरा कुछ भी हो सकता है, ये वैल्यूज पूरा रंगीन कर दिया इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक। कोई डाउट मन में, इसे नोट करो। तो एक्स की वैल्यू माइ फाइव से छोटी है, माइनस से बड़ी है, तो यहाँ भी कैसा आ जाएगा, सिर्फ सर्कल, क्योंकि माइनस से छोटी ही रहने वाली है। तो नंबर लाइन खुद बना लोगे आप कॉपी में। क्वेश्चन नंबर एट पढ़ना, देखो टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन लेस देन एक्स प्लस फाइव कॉमा थ्री ब्रैकेट में एक्स प्लस टू फिर मोर देन टू माइनस एक्स। टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन लेस देन एक्स प्लस फाइव, थ्री मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू मोर देन टू माइनस एक्स, क्वेश्चन लिख दिया है। अब पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर इसको सॉल्व करूँगा, जैसे मैंने यहाँ किया वही प्रोसीजर मैं यहाँ अपनाने वाला हूँ, समझना इसे ध्यान से। टू को एक्स मल्टीप्लाई करो, टू एक्स टू बन जा टू, क्या क्या जाए, हाँ जी क्या क्या जाए, फाइव को माइनस किया जाए, चलो फाइव को माइनस करते हैं, तो टू एक्स माइनस टू माइनस फाइव और एक्स प्लस फाइव माइनस फाइव, चलिए ये भी कर दिया, ठीक है जी। अगला स्टेप सेवन प्लस कर दो, तो पहले ही माइनस टू को प्लस टू कर दिया होता है ना, अगर मैं इसको पहले ही कर दूँ तो क्या बुराई है। तो देखो पहले मैंने देखा भाई इसके साथ वाले को मेरे को इंडिपेंडेंस करना है, मैं हमेशा कहाँ को देखता हूँ, देखो ये आपका मेरा राइट हो गया, ये लेफ्ट वाला पोर्शन है, मैं लेफ्ट को फील कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट को सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो मैंने देखा यहाँ पर माइनस टू है तो क्या कर दूँ प्लस टू, तो यहाँ पर टू एक्स बचेगा केवल और एक्स प्लस सेवन। अब मुझे केवल एक तरफ एक्स को रखना है और एक तरफ से एक्स को हटाना है, तो मैं इसको हटाने के लिए क्या करूँ माइनस, दोनों तरफ से एक्स हटा दूँ, टू एक्स में से एक्स गया एक एक्स बचे बच्चे सेवन, एक्स लेस देन सेवन, कोई डाउट। तो हमेशा जो मैंने रूल बताया फॉलो कर सकते हो, क्या बताया, हमेशा लेफ्ट को देखो और लेफ्ट को देखकर एक्स के साथ जो भी है उसे हटाने की कोशिश करनी है, उसे इंडिपेंडेंस करना है, ठीक है, कभी गलती नहीं होगी, वरना आप तो घुमा घुरा कर वही बात आती रहेगी कि टू ऐड करो फिर प्लस फाइव करो फिर बार बार आते रहते, वही दो तीन स्टेप फालतू कर दोगे आप, यहाँ गहराई समझना। टू माइनस एक्स, हाँ जी थ्री एक्स प्लस 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 थ्री टू जा सिक्स, इसको हटाओ तो थ्री एक्स प्लस सिक्स माइनस सिक्स, ठीक है, क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस एक्स और माइनस फोर। अब मुझे माइनस एक्स को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ प्लस करना पड़ेगा, वेरी गुड, तो माइनस एक्स, डाउट यहाँ तक, क्या हो गया बच्चों, फोर एक्स मोर देन माइनस फोर, फोर से डिवाइड करेंगे माइनस एक्स मोर देन माइनस वन। तो एक बात बताओ मुझे, एक्स की वैल्यू माइनस वन से बड़ी है और सेवन से छोटी है, तो सर क्या लिखूँ मैं, ऐसे लिख दूँ, हाँ है ना, और अगर इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, ओपन इंटरवल एक्स मोर देन माइनस वन और लेस देन सेवन, और अब रिप्रेजेंट करने की बात आती है
तो कैसे रिप्लेस करेंगे, जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री बहुत है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे सेवन, तो सेवन की तरफ सिर्फ सर्कल लगा देंगे, उसके अंदर कलर नहीं करने वाले हैं और लाइन इधर खींच देंगे, ये कलरफुल लाइन है आपकी और ऐसा सर्कल लगा देंगे। कोई डाउट इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, थ्री एक्स माइनस सेवन मोर देन टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस सिक्स कॉमा सिक्स माइनस एक्स मोर देन इलेवन माइनस टू एक्स। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया मैंने, आपने पढ़ा। देखिए स्टार्ट करते हैं, थ्री एक्स माइनस सेवन यहीं छोड़ दो, मोर देन टू को एक्स मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स प्लस माइनस माइनस टू सिक्स जो ट्वेल्व आ जाएगा। इधर ध्यान देना बच्चों, देखो थ्री एक्स पहले मैंने क्या था लेफ्ट वाले की हम बात करेंगे, थ्री एक्स माइनस सेवन है तो क्या करें प्लस सेवन, तो माइनस सेवन प्लस सेवन टू एक्स माइनस ट्वेल्व प्लस सेवन, टू एक्स माइनस ट्वेल्व प्लस सेवन माइनस फाइव। अब देखो टू एक्स को माइनस करेंगे दोनों तरफ, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, एक्स की वैल्यू आ गई मोर देन माइनस फाइव। एक काम करते हैं यहीं से, उसका आगे का एक्स माइनस सिक्स माइनस एक्स मोर देन इलेवन माइनस टू एक्स। तो देखो एक्स के साथ क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर सिक्स माइनस एक्स है तो सिक्स प्लस में है ना, तो एक काम करें माइनस कर दें दोनों तरफ, माइनस एक्स मोर देन इलेवन में से सिक्स गया फाइव माइनस टू एक्स। अब देखो बेटा यहाँ माइनस टू एक्स है, क्या कर दें दोनों तरफ प्लस टू एक्स, मुझे इधर का हटाना है, फ्री करना है मुझे यहाँ पर ना, इधर एक्स के लिए हटानी है बिल्कुल खत्म। तो देखो माइनस टू एक्स था तो मैंने प्लस टू एक्स से हटा ही दिया, मुझे केवल एक्स को एक तरफ रखना है और मैंने किसको लेके चलता हूँ हमेशा, लेफ्ट वाले पोर्शन को लेके चलता हूँ। क्या आ जाएगा यहाँ पर टू एक्स में से एक एक्स गया, कोई डाउट मन में? तो देखो आपने क्या फील किया, देखो तो यहाँ पर दो वैल्यूज आई है, एक तो एक्स इक्वल टू क्या गया माइनस फाइव और एक्स मोर देन माइनस फाइव भी और एक्स इक्वल टू एक्स मोर देन फाइव भी है। एक बार बताओ इक्वेशन वन एंड टू सब क्या फील कर रहे हो कि सर एक्स की वैल्यू माइनस पाँच से बड़ी है और यहाँ से क्या फील कर रहे हो एक्स की वैल्यू फाइव से ज़्यादा है मोर देन फाइव है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सब एक ही कंक्लूड निकाल पा रहे हैं कि जो बड़ी वाली फ्रीज होती है उसको हम मान्यता देते हैं। ठीक है, हम वैल्यू किसकी देंगे इस वाले की और उसको क्या कर देंगे इग्नोर कर दिया जाएगा। तो एक्स की वैल्यू जो होगी मोर देन फाइव ली जाएगी या माइनस इन्फिनिटी, वहाँ पर क्या लिखते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। तो एक्स की वैल्यू मोर देन फाइव तो फाइव पे सर्कल इधर की तरफ इन्फिनिटी तक, और वो सॉल्यूशन क्या बनने वाला है यहाँ तक फाइव कॉमा इन्फिनिटी। तो जब भी कभी आपके पास दो सिचुएशन आ जाती है कि भैया एक्स मोर देन दिस और एक्स मोर देन दिस, तो आपको किसको हमेशा देना है प्रेफरेंस देना है जो लार्जेस्ट डिजिट होगी। तो माइनस फाइव और फाइव में बड़ी डिजिट कौन सी है फाइव, तो फाइव को मैंने लिखा है। तो फाइव ब्रैकेट में टू एक्स माइनस सेवन माइनस थ्री ब्रैकेट में है टू एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट बंद फिर लेस देन इक्वल ज़ीरो, यहाँ पर है टू एक्स प्लस नाइनटीन लेस देन इक्वल सिक्स एक्स प्लस फोर्टी सेवन। ठीक है, समझ रहा हूँ। देखो पहले से ब्रैकेट ओपन करते हैं, फाइव टू जा टेन एक्स, फाइव टू जा टेन एक्स हो गया प्लस माइनस माइनस फाइव सेवन जा थर्टी फाइव, मतलब माइनस प्लस माइनस थ्री टू जा माइनस प्लस थ्री थ्री जा लेस देन इक्वल नाइन। इसका अदर सॉल्व कर लेंगे, अभी पहले इसको ध्यान देते हैं।
टेन एक्स में से सिक्स एक्स गया, माइनस 35 माइनस 9 माइनस 44। एक काम करो प्लस 44 दोनों तरफ कर देते हैं, फोर एक्स अपॉन में 4 कितना आ गया 11। देखो x की जो वैल्यू है x लेस देन इक्वल 11, यहां चेक करो यहां पर 19 है ना। LF देखो लेफ्ट साइड में को सॉल्व मैं मान रहा हूं, मैं क्या देखता हूं LHS को देखता हूं, तो मैंने देखा 2x प्लस 19 था, तो मैंने माइनस 19 पहले दोनों तरफ किया, सिक्स एक्स का सिक्स एक्स, 17 में से 9 गया 8 और 3 में से बन गया 2, सही है 20, 20, 40, 27 और 28, ठीक है प्लस 28 आया। एक काम करो तो मुझे इसको हटाना है, क्या करेंगे 2x माइनस 6x, 6x प्लस 28 माइनस, तो माइनस 4x और यहाँ पर कितना आ जाएगा 28, तो माइनस 4x अपॉन में माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो चेंज हो जाएगा माइनस 7। देखो x की जो वैल्यू है 7 भी हो सकती है और माइनस 7 से बड़ी भी हो सकती है, तो माइनस 7 और लेस देन इक्वल 11, तो 11 की भी लिख के क्या लेंगे क्लोज इंटरवल आ जाएगा, और सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट इधर आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7, ठीक है आपका आंसर बेटा माइनस 7 भी उस तक पूरा ब्लॉक कर देंगे, कलर कर देंगे इसके अंदर। और इनके बीच में कोई डाउट किसी मन में, इसे फटाफट कॉपी करो